आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप फेसबुक पे अपना नया एक अकाउंट बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोल दिया जाए कि भैया हमें फेसबुक का अकाउंट बनाना है, तो वो बोलते हैं कि भैया हमें फेसबुक पे अकाउंट बनाने नहीं आता है, कैसे बनाया जाता है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा कि किस तरीके से आप फेसबुक पे अपना नया अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फेसबुक पे अपना नया एक अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पे अपना नया एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक पे नया अकाउंट बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से फेसबुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद फेसबुक को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता होगा क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता होगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। आपके सामने में यहाँ पर आपका पूरा ईमेल, तो आप यहां से ईमेल से भी बना सकते हैं या सिंपली नन ऑफ द अबव है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पे अपना फर्स्ट नेम और यहां पे अपना सरनेम डाल देना है। चलिए हम मैं यहां पे अपना फर्स्ट नेम डाल दे, यहां पे फर्स्ट नेम और यहां पे सरनेम डालने के बाद सिंपली यहां नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप जो भी आपका रियल है वो नहीं डालिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे प्राइवेसी का खतरा रहता है। तो इसीलिए आप इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, ठीक है। इसका सिंपली कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं और यहाँ पे कर देना है आपको नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर का और नीचे मिल जाता है साइन अप विथ ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप जो है फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हैं या आप ईमेल आईडी के थ्रू भी बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मोबाइल नंबर से बनाइए या ईमेल आईडी से बनाइए, दोनों सेम ही होगा। चलिए हम यहाँ पे जो है ईमेल आईडी वाले को चूज कर लेते हैं। इसमें से जो है आपको दिखेगा इतना ईमेल आईडी आ जाता है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं या सिंपली जो है आप यूज ए डिफरेंट ईमेल एड्रेस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई नया ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ईमेल है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज कर लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ही इस तरीके से आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ जो आपको देखिए है साइन अप विथआउट अपलोडिंग माय कॉन्टैक्ट और ऊपर में मिल जाता है साइन अप, तो साइन अप वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सेव ए पासवर्ड, तो अगर आप सेव ए पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो फेसबुक दोबारा से लॉग इन होइएगा तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या आप नोट ना पर क्लिक करके आप इसको बैक कर दीजिए और यहाँ पर जो लॉग इन होइएगा तो आपको जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये ईमेल एड्रेस आ गया और यहाँ पे जो आप पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे आ गया है। आप क्या कीजिए कि आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट लेके अपना जो है रिकॉर्ड के लिए इसको रख सकते हैं। इसके बाद सिंपली करेंगे यहाँ से ओके। ओके करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कन्फर्म विथ कोड इंस्टेंट, तो यहाँ से नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से ये आपका ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे जो है आप अपने गैलरी से फ़ोटो लगा सकते हैं या आप क्लिक करके भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं बाद में फ़ोटो लगाऊंगा, तो यहाँ ऊपर में स्किप है, स्किप पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से आप जो है फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड
फ्रेंड पर क्लिक करूंगा। यहां पर देखिए कि कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहां पर ऊपर वाला डन है, डन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए इस तरीके से आपका जो है फेसबुक अकाउंट ओपन होकर आ गया है। यहाँ जो है आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ओके का, ओके वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर फेसबुक अकाउंट जो है ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पे आपका ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो है अपना फेसबुक अकाउंट पे पिक लगाने के लिए यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा व्यू ए प्रोफाइल, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए एड कवर फोटो पे क्लिक करके आप जो कवर फोटो लगा सकते हैं, या पिक वाइज पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पे जो है फोटो लगा सकते हैं, प्रोफाइल से वीडियो लगा सकते हैं, और यह टेक मतलब फोटो खींच के भी आप यहां पे लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे प्रोफाइल से एक फ़ोटो लगा के आपको दिखा देता हूं। तो इस पर क्लिक करूंगा और जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं इसमें से आपको चूज कर लेना है। चलिए मैं यहां पे जो है ये फ़ोटो लगाना चाहता हूं, तो ये मैं इस तरीके से ये फ़ोटो पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए यह फ़ोटो आ चुका है, और यहाँ पर आपको ऊपर मिल रहा होगा सेव का ऑप्शन, यहाँ सेव वाले पर क्लिक करके आप इस फ़ोटो को यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से आप फ़ोटो को लगा लिए। चलिए मैं दूसरा फ़ोटो लगा लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं आपको इसमें से फ़ोटो को चूज कर लेना है और वो फ़ोटो आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे ढेर सारा फ़ोटो मिल जाता है, इसमें से आप फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर आप फ़ोटो को एड कर लेंगे। चलिए मैं इसमें से मैं कुछ इस तरीके से फ़ोटो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं फ़ोटो को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं देखिए सेव वाले पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो है मेरा यहाँ फ़ोटो आ चुका है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप फेसबुक पे अपना जो है अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पे आपका होम आया था, यहाँ पर देखिए कि आपका ये होम है, और इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा फेसबुक अकाउंट ओपन होके आ जाता है। यहाँ से आप जो भी वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं इस तरीके से वीडियो वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज बहुत ही आसानी से आप फेसबुक पे अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।